हमें खोज करके दिखाया है जिस प्रकार की सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे इतिहास में उसके साथ मिलते हैं, तो ये राम तो वो जो है उस समय की जिस रूप में भी प्रस्तुत हमारे इतिहासकारों ने उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है वो प्रमाणित है, लेकिन रामराज की कल्पना देखने को कहीं नहीं मिली है। जितने प्रकार के इन्होंने जो भी नीति निर्धारण किए हैं या जो व्यवस्था बनाए हैं उसमें तो झूठ कपट ही नजर आया है। आते ही इन्होंने और इनके लिए जो भी वो करना चाहे जिस प्रकार के भी जैसे भी अपने आप को बहुजनों के सामने सरेंडर करना चाहे हैं प्रमाणित है वो बातें। आर्यों के आक्रमण के पश्चात जो भी आर्यों और द्रविड़ों की जो लड़ाई है युद्ध हुआ और परास्त करके उन्होंने जो संग्रहण की व्यवस्था की दही के महिला पुरुष से विवाह करके और उनको अपने साथ लेकर के जो भी रचना व्यवस्था उन्होंने किया प्रमाणित है वो बातें। और आगे भी उन्होंने जो दशा दिशा दी है हम सब लोग को आप सब लोगों ने बहुत विस्तार से इस पे चर्चा कर चुके हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, पर ये बातें प्रमाणित है। आगे भी हम आप देखें मौर्य काल मौर्य वंश की जब स्थापना होती है तो चाणक्य ने भी वही किया, उनको जो करना पड़े, ब्राह्मण कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, लेकिन राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दास को भी उन्होंने राजा बनाने के लिए प्रयास किया और भारत की गद्दी में बिठाया और अखंड भारत का निर्माण करने में सफल रहे, ये भी एक कहानी है। और आगे भी जब भी इनको जिस प्रकार का भी मौका मिला इन्होंने वैसा करने के लिए पीछे नहीं हटे। एक मैं ताजा घटना बता रहा हूं अपने छत्तीसगढ़ की, गिरौदपुरी है जहाँ पे बाबा घाटीदास जी का जन्म स्थली है, तपस्थली भी है और वो तीर्थ के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वहां पे आरएसएस वालों ने एक जुलूस निकाला और सब लोग तो उसका समर्थन नहीं दिए, तो समर्थन पाने के लिए उन्होंने उनको अगवा बना दिया, उनको अतिथि बना दिए, उनको आगे कर दिए और उनके पीछे सारे जो है आरएसएस के पदाधिकारी चलने लगे। और बाद में जब वो भंडाफोड़ हुआ उसको पता चला तो हमारे सभी सतनामी भाई उसका विरोध किए और उसका ऐसा परिणाम आया कि 4 साल तक सीएम को वहां उस उन्होंने घोषणा जो किया था कुतुब मीनार से मैं ऊंचा जय स्तंभ बनाऊंगा और बना के दिखाया भी उसने, तो उन्होंने 4 साल तक मुख्यमंत्री को वहां घुसने का मौका ही नहीं दिया। तो ये हमारी सामाजिक एकता का प्रमाण है। तो यदि हम एक यदि हो जाए तो वाकई में ये हमारी जो बहुजन की प्रामाणिकता है वो प्रमाणित हो जाती है। तो हमें ताकत तो है, दम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहां आरएसएस ने इस प्रकार के भी वहां पे एक विडंबना वहां पे किए कि हम जो है कैसे भी करके ये सारे लोगों को अपने कब्जे में ले लें और इनके माध्यम से हम यहाँ अपना संगठन तैयार करें। तो उन्होंने उनकी बातों को समझा, लेकिन अंततः क्या होता है उनको शेर मारने की आदत उनमें है, वो अपने कामयाब हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को मिला करके अभी चुनाव के समय इसके पहले उन्होंने कुछ उनके हमारे बीच में भी तो है जो उनके अपने बन जाते हैं और अपनों को भूल जाते हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग उसमें मंत्री लोग हैं जिन्होंने क्या किया उनके साथ हो गए और फिर कैसे भी करके वहां पे सीएम को ले जा करके वहां पे उद्घाटन करवा दिए उसका, लेकिन वो तो अपने कब्जे में है, हमारे सतनामी भाइयों के कब्जे में है, ये हमारी उपलब्धि है। तो ऐसे ऐसे हर प्रकार के षड्यंत्र वो लोग करते हैं। और ये राम मंदिर का मामला तो जब से उठा है उसमें किसी ब्राह्मण शहीद नहीं हुए, ना उनका सर टूटा है, ना उनका कोई खून खराबा हुआ है। इसमें हमारे सारे लोग जाकर के उनका साथ देते हैं और अगुआ बन जाते हैं और उस ऐसे षड्यंत्र में फंस करके बड़ा अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है और ये मुद्दा जो है वाकई में हमारे लिए कोई रामराज की कल्पना नहीं है, ना भी वो कभी साकार होगा। ये वास्तव में पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र है। हमारे बदौलत वो चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे राम राज्य ला रहे हैं या राम मंदिर बनेगा तो भगवान उतर आएंगे साक्षात। इतने सारे मंदिर हैं, मैं कहता हूँ कहीं पे भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, वहां पे झूठ कपट पैसा चढ़ावा पंडितों की झोली भरने का ही काम हुआ है।
कोई बता दे, इसको प्रमाणित कर दे। मैं एक बार हरिद्वार गया, मैं देखा समय वो जो पंडितों से बड़ी लड़ाई हो गई, उसमें पैसा नहीं चढ़ाओगे तो सब कहने लगे। तुमने कहा कि जब इतना ही बड़ा तुमने शक्ति इतनी बड़ी है तो भाई मेरे से क्यों मांगे, क्यों नहीं ले लेते। बड़ा चीन है वो मेरे से। और बहुत जगह ऐसे जगन्नाथपुरी में भी एक बार ऐसे हुआ, तो मैं तो इसमें बिल्कुल ठड़ा रहता हूँ कि मेरे से कुछ बोले तो मैं उसको प्रस्तुत कर लूँ। तो ये सब बातें हैं, तो ये किसी भी प्रकार से हमारे या हमारे तक किसी भी के हित में नहीं है कि राम मंदिर बने तो हमारा कल्याण होगा। बेहतर तो ये होता कि सरकार या सरकार यदि सरकार तो चाहती नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा सर्व कल्याणकारी कोई संस्था बने, लेकिन हम लोग भी नहीं चाहते कि वहाँ के कोई ऐसे लोक कल्याणकारी संस्था बने जो सार्वजनिक हो, जिसमें हमारे बच्चों का हमारे लोगों का हित हो। वहाँ पे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी खोल देते, कॉलेज खोल देते, या फिर कोई खेल का मैदान बनाते जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुसलमान या अवर्ण सवर्ण बिना किसी भेद के सारे बच्चे खेलते वहाँ पे रहते। ये निर्णय ना तो सरकार ले पा रही है, ना हमारे समाज प्रमुख ले पा रहे हैं, ना भी हम भी उसमें ये कर रहे हैं, बल्कि वो जो कहते हैं उसमें हम लोग सुन लेते हैं और उनके कार्य सेवा का सहयोग करते हैं और उसका आनंद लेते हैं सब लोग सरपूर्ण करके। ये बड़ी विडम्बना है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से राम वहां पर राम मंदिर बनना जो है राम राज्य की कोई कल्पना है ना स्थापना है। ये सीधा सीधा बिल्कुल सही बात है। ये राम मंदिर बनना जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिस प्रकार से आज तक हर षड्यंत्र में हमको लेकर के ये जो सवर्ण है वो सफल हुए हैं और ये भी है सफल होने का प्रयास अभी कर रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग ऐसा विचार करें, ऐसा सोच पैदा करें और उसको साकार भी करें कि वहां पे सार्वजनिक ऐसा स्थल बने और उसमें हमारे बच्चों को हमारे सभी लोगों को लाभ हो। ये राम मंदिर के मुद्दे को हटा करके जल कल्याणकारी मुद्दा उसमें जोड़ना चाहिए। और उसके लिए जब भी एक वायरल होता है जिसमें वोट करो, तो हम सब लोगों को मिलकर के एक एक जगह इसके लिए हम लोग को पहल करना चाहिए और उसके लिए सारे लोगों को एकजुट होकर के इसमें कुछ नया निर्णय लेने के लिए सरकार को मजबूत करना चाहिए। ये राम मंदिर मुद्दा का सही हल होगा, ऐसा होना चाहिए। अब उसमें मैं बहुत सारे लोगों ने तो आज के बहुत सारे विषयों पे जो प्रथम सत्र के विषय थे उस पर कहे, मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा जैसे मैडम अभी बहुत अच्छी बात कही वो और उस रास्ते पे कुछ हद तक मैं चलने का प्रयास भी कर लिया। बिल्कुल सही बात है ये। इस बात को मैं अपने साथियों में या जो मुझसे संपर्क माध्यम में कहता भी हूँ कि भाई हमको किसी भी कार्य को, चाहे वो संगठन की बात हो या इससे जुड़े हुए कोई भी कार्य हो, इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने अभी जो पंच पैरों की बात कही, उन्होंने पांच लोगों को आगे लेकर के बात कही। मैं भी ये बात बिल्कुल इसके समर्थन करता हूँ कि भीड़ के कार्यक्रम अलग होना चाहिए। और अभी तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोग हर प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी बातें और सिद्धांतों के बातें भी करते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमको हमारे बहुत सारे लोगों को, ये जानने वाले हम लोग बहुत कम संख्या में हैं जो इन बातों को समझ सकते हैं, लेकिन हम काम किसके लिए करना चाहते हैं, जो बिल्कुल नादान है इस आंदोलन को जो अब तक समझे नहीं है, हम सबका लक्ष्य वहीं तक जाता है कि हम उनको जगाएं, उनको जगाएं। तो मेरे ख्याल से हमारी तैयारी उस टाइप की होनी चाहिए कि हम उनको जगाने के लिए प्रयास करें। तो जगाने के लिए प्रयास क्या हो सकता है, मैं एक छोटी बात कहूंगा, शायद पसंद आया आप लोगों को। छोटी छोटी एक पुस्तकें हमारे जो हम बात कहते हैं, इनको निकाल करके विभिन्न जगहों में पहुंचाना चाहिए उसको, और सभा संगोष्ठी के स्तर को इसमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमको प्रेषित करना चाहिए। और सबसे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी सभा आयोजन करने के पहले हम लोगों को ऐसे सैनिक तैयार करना चाहिए जो इन बातों को समर्पित भाव से वहां तक जाकर के रख सकें और जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उसको योजनाबद्ध ढंग से हमको करना चाहिए। और एक एक कमेटी अलग अलग जगहों में होनी चाहिए, हमारे प्रचार तंत्र जो है मजबूत हो। और उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता तो मैं भी इसको देना चाहूंगा कि स्कूल ऐसे खुले, स्कूल बहुआयामी योजना है, उससे हमारे बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं और
हमारे पहले जिन्होंने भी आंदोलन किया है, चाहे वो सवर्ण हो या कोई भी हो, स्कूल का सहारा लिया है, चाहे वो तक्षशिला की बात करें, गुरुकुल कामिनी की बात करें या नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, आज आरएसएस का सरस्वती शिशु मंदिर जो है एक इसका उदाहरण है। वहाँ पे सारे चीज जो है यहाँ पे ये होते हैं और तैयार इस प्रकार से किए जाते हैं। और इसका एक छोटा सा कार्य मैं प्रारंभ कर दिया हूँ, इसमें दोनों चीजों को मैं चलाने की मेरी योजना है। एक तो विद्यालय संचालित, मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ लेकिन मेरी विशेष जो है विद्यालय चलाती है, उसके इस प्रकार की व्यवस्था है कि उसमें जो सक्षम बच्चे हैं वो तो पैसा दे के पढ़ते हैं, पर जो कमजोर बच्चे हैं उसमें से कम 25% बच्चे ऐसे भी रहते हैं वहाँ हर साल कि उनको भी शिक्षा देने से वंचित नहीं करते हम, तो इस प्रकार की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था में उसमें व्यवसायिक प्रशिक्षणों को भी जोड़ने के मूड में हूँ और ये कार्यक्रम तो पूरे स्कूल वाला कार्यक्रम पूरे जगहों में आगे के लेवल पे चलना चाहिए और उसके लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट मैंने तैयार करके रखा है और हमारे जो ये संघ है मेरा सदुपयोग यदि करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा सहयोग देने के लिए। और इन शब्दों के साथ में आप सबका जय भीम जय भारत।